Hey what's up guys, welcome back to another video। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ MIUI की कुछ ऐसी थीम्स के बारे में जिसका स्टेटस बार बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। एंड अगर आप उसको स्टेटस बार को यूज़ करेंगे तो आपका फ़ोन में एक अमेजिंग लुक आ जाएगा, शायद ये थीम्स भी आपका माइंड ब्लो करके रख देंगी। तो वीडियो को शुरू करते हुए जान लेते हैं आज की कौन सी थीम्स हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लीजिए एंड ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं एक नई वीडियो अपलोड करूँ। तो और यार उसके अलावा इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम बोथ यहाँ पे आप कनेक्ट हो जाओ, लिंक्स दोनों की डिस्क्रिप्शन के अंदर है, क्योंकि भाई वहाँ पे मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स देता रहता हूँ। कोई ऐप में अपडेट आएगा तो वहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, तो जाइए कनेक्ट हो जाइए और इन्जॉय करिए, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं थीम्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपके लेके आ चुका हूँ 2 थर्ड पार्टी थीम्स एंड 2 नॉन थर्ड पार्टी थीम्स। एंड यहाँ पर मैंने थर्ड पार्टी की संख्या जो भी मतलब काउंटिंग थोड़ी इसलिए बढ़ा दी है क्योंकि अब थर्ड पार्टी को परमानेंट अप्लाई करने का मिल चुका है सॉल्यूशन। अब मैं उसकी वीडियो भाई या तो IGTV पे डालने वाला हूँ या YouTube पे डाल दूंगा। IGTV पे अगर डाल दी तो आप फॉलो जरूर से करें ना, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। एंड ठीक है, तो आपको कैसे करना है, बाकी बहुत सारे क्रिएटर्स ने वीडियो डाल रखी है, आप उनके भी जाके देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा थर्ड पार्टी थीम्स को कैसे अप्लाई करना है। अब दोस्तों बात करते हैं थीम्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चल जाए थीम्स के ऊपर एंड जो आपको फर्स्ट थीम देखने को मिल जाती है दोस्तों उसका नाम है Evolution 3D डुअल सिस्टम वर्जन 11 एंड इसका स्टेटस बार बहुत ही अमेजिंग है। विद जिस थीम में आपको डुअल सिस्टम का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। थीम यहाँ से अप्लाई हो चुकी है एंड जो नेविगेशन बटन हैं उसमें आपको चेंज देखने को मिलता है जो काफ़ी आपके फ़ोन को अच्छा लुक प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ वॉलपेपर जो है वो स्क्रॉलिंग वॉलपेपर है जो आपके फ़ोन को एक और भी अमेजिंग लुक प्रोवाइड कराता है। विजेट में आपको इसमें एनिमेशन देखने को मिलती है, दैट इज़ ऑल्सो अ नाइस थिंग। उसके बाद दोस्तों हम बात कर ले मेन हाईलाइट दैट इज स्टेटस बार, तो वो आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड देखने को मिलता है और उसके ऊपर आपको जो क्लॉक है मिडल में देखने को मिलती है एंड इस टाइप का आपको यहाँ पे टूल्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टेटस बार। एंड देन हम बात करते हैं इसकी लॉक स्क्रीन के बारे में, दैट इज सेम, बस यहाँ पे ताले में थोड़ा बहुत चेंज यहाँ पे किया गया है। एंड सेटिंग मेन्यू को कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, पीछे वॉलपेपर है एंड यहाँ पे ग्रेडिंग में जो है चेंज करा गया है। उसके अलावा दोस्तों डायरेक्ट मेन्यू सेम टू सेम, पीछे वॉलपेपर है एंड थोड़े बहुत कलर स्कीमिंग एंड आइकन्स को रिफाइन करा गया है। तो ये आपको इस थीम में देखने को मिल जाता है। तो ये थी हमारी फर्स्ट थीम। अब हम बात करते हैं अपनी सेकेंड थीम के लिए। जो सेकेंड थीम आपको जो देखने को मिल जाती है वो है ये रही, तो इसका नाम है वॉल डार्क एंड ये थीम का स्टेटस बार मेरे को काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि भाई इसमें सेंटर क्लॉक नहीं है बट फिर भी ये एक आपको अमेजिंग लुक आपके फ़ोन को जरूर प्रोवाइड कराएगा एंड इसमें डार्क मोड सपोर्ट भी है। सेम उसमें भी था, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उसको ही दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिए। एच डुअल सिस्टम होना चाहिए तो यहाँ पर हम चल जाते हैं एंड डार्क मोड। तो ये आपको डार्क मोड में आ गई थीम, तो भाई आपको इस टाइप की देखने को मिल जाती है जब डार्क मोड में आ जाती है, तो ये काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग फीचर देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उस थीम के बारे में। तो भाई ये हमारी थीम वॉल डार्क लेट्स अप्लाई एंड ये आ गई हमारी थीम। अब दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आपका देख सकते होंगे इसका नेविगेशन बटन जो है वो चेंज करा गया है, लेट मी शो यू। तो ये आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का है जो काफ़ी आपको एक फ़ोन को इंटरेस्टिंग लुक प्रोवाइड कराता है। साथ साथ दोस्तों यहाँ पर भी चेंज करा गया है जो कि है इसकी स्टेटस बार के आइकन्स के अंदर, तो वो भी आपको देखने वाली चीज़ है। एंड आइकन्स आपको जिस टाइप के देखने को मिल जाते हैं बिल्कुल मिनिमल एंड सिंपल से लगते हैं जो कि इस वॉलपेपर से बिल्कुल मैच नहीं हो रहे। वॉलपेपर चेंज कर लीजिए, अमेजिंग आ जाएगा फ़ोन का लुक। एंड यहाँ पे आपको जो विजेट है वो आपको गूगल वाला देखने को मिल जाता है जो काफ़ी अच्छी बात है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके स्टेटस बार, दैट इज़ मेन हाईलाइट है। एंड ये आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है क्लॉक साइड में, बट जो टुकल्स का स्टाइल है ना मेरे को बहुत अमेजिंग लगा, ब्लैक एंड वाइट वाला है, मतलब काफ़ी आपके फ़ोन को एक इमर्सिव इंटरेस्टिंग जो भी कह सकते हैं वैसा लुक आपको प्रोवाइड कराता है, बहुत ही अमेजिंग लगता है। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों सेटिंग मेन्यू अगर हम बात कर ले तो दैट इज़ डार्क, एज ए डार्क थीम है तो यहाँ पे आपको डार्क देखने को मिल जाता है सपोर्ट एंड ये थीम आपको डार्क में देखने को मिलती है। एंड उसके बाद दोस्तों डायरा मेन्यू अगर हम बात कर ले तो वो भी आपको डार्क देखने को मिलता है, बिल्कुल ही सिंपल सा डायरा मेन्यू है विद डार्किश लुक, तो ये भी आपको एक चीज़ देखने वाली है। लॉक स्क्रीन की अगर हम बात कर ले तो आपको कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है जिसका आपको जो क्लॉक है वो सेंटर में देखने को मिल जाती है एंड इधर स्वाइप से आपको स्मार्ट असिस्टेंट आ जाता है जैसे कैमरा एंड ऊपर स्वाइप से आपको जो फ़ोन है वो अनलॉक हो जाता है। तो भाई ये थी हमारी सेकंड थीम जो मेरे को लगा कि आपको शायद पसंद आ जाए। अब देखते हैं अपनी थर्ड थीम के बारे में जो कि एक थर्ड पार्टी थीम है जिसका नाम है जोकर वर्जन 11 एंड इस थीम को भाई स्टेटस बार के लिए मैंने चूज़ किया क्योंकि भाई इसका स्टेटस बार जो अब लेटेस्ट जोकर वर्जन 11 जो नॉन थर्ड पार्टी थीम है ना वो एकदम बेकार है, उसका जो स्टेटस बार है वो बेकार वाला है। तो इसका जो स्टेटस बार है वो बहुत ही अमेजिंग वाला है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे से अप्लाई कर लेते हैं एंड ये हो गई अप्लाई। एंड दोस्तों आप देख सकते हैं जो नेविगेशन बटन है वो आपको कुछ इस टाइप के देखने को मिल जाते हैं जिनको चेंज करा गया है, दैट इज़ अ नाइस थिंग। एंड आइकन्स भी आपको हमें चेंज देखने को मिल जाते हैं जो काफ़ी अच्छे लगते हैं। पीछे जॉकर का वॉलपेपर भी बहुत ही अमेजिंग लगता है। यहाँ आपको टॉप पे वेदर का विडजेट देखने को मिल जाता है जिसमें वेदर नहीं शो हो रहा है क्योंकि मैंने ऑफ कर रखा है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर ले इनके बारे में जो आइकन्स हैं वो भी आपको जिस टाइप के देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें नेविगेशन बटन के बारे में तो वो कुछ ऐसे हैं। उसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी लॉक स्क्रीन के बारे में। तो लॉक स्क्रीन आपको जिस टाइप की देखने को मिल जाती है जिसे ऊपर स्वाइप करेंगे फ़ोन अनलॉक। एंड यहाँ पे वही क्लॉक आ रही कटपटी सी और ये आपका दो टूल्स हो गए जो भी काफ़ी अच्छी बात है। एंड ऊपर स्वाइप आपका फ़ोन जो है वो अनलॉक हो जाएगा। डायलर मेन्यू को कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है जो सेम है, बस यहाँ पे कलर स्कीमिंग को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ बात कर लें सेटिंग मेन्यू के बारे में तो वो आपको जिस टाइप का देखने को मिलता है जो प्रॉपरली चेंज किया गया है। एंड काफ़ी अच्छी आपको ग्रेडिंग भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा जो मेन चीज़ एंड द मेन हाईलाइट है इस थीम का वो है इसका स्टेटस बार। तो वो आपको जिस टाइप का देखने को मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है क्लॉक बीच में आ जाती है एंड वाइट कलर का आपको प्योर स्टेटस बार देखने को मिल जाता है। एंड आइकन्स भी आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग वाले देखने को मिलते हैं, काफ़ी कूल लुक आपके फ़ोन को ये आइकन्स भी जो है वो प्रोवाइड करा देते हैं, जो मेरे को भाई सही में काफ़ी इंटरेस्टिंग बात लगी है, कुछ इस टाइप के हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना ताकि आगे जाके आप ऐसी वीडियोस को मिस ना कर जाएं, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस थीम में अंदर ले सकें। दोस्तों ये थी हमारी थर्ड थीम और जो कि एक थर्ड पार्टी थीम है। और मैं आपको बता दूं जो थर्ड पार्टी थीम्स होती हैं वो आपको थीम स्टोर पे नहीं मिलेगी क्योंकि मेरे को कई लोग बोलते हैं भाई मेरे को ये थीम स्टोर पे नहीं मिल रही, तो मैंने उनको बोला है कि एक तो वीडियो पूरा देख लेना और भाई थर्ड पार्टी थीम जो है वो थीम स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, ये आपको मेरे लिंक से डाउनलोड करनी पड़ेगी। लिंक से डाउनलोड करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप MIUI थीम एडिटर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड वो जो एक तरह से टेम्प्रेरी इंस्टॉलेशन होती है बट परमानेंट इंस्टॉलेशन की वीडियो जल्द से जल्द आएगी और बाकी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी, तो आप उनके थ्रू भी जो है इंस्टॉल कर सकते हैं थर्ड पार्टी थीम्स को परमानेंटली अपने फ़ोन के अंदर। तो ये कि ये थीम स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, ये आपको ध्यान रखने वाला है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अपनी लास्ट एंड फाइनल थीम के बारे में। दोस्तों जो उस थीम का नाम है वो है ब्लैक गेम वर्जन 11। एंड इस थीम का जो नॉन थर्ड पार्टी है वो मैं पहले ही शोकेस कर चुका हूँ आपको, ये रही वो थीम। बट इसमें जो स्टेटस बार है ना वो अलग टाइप का है और जो मैं आपको शोकेस करने वाला हूँ वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का है और अमेजिंग टाइप का है। तो अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो आपको लिंक छोड़ दूँगा डिस्क्रिप्शन में ताकि आप बोला थीम भी ड्रॉ कर पाएँ। बट अभी हम बात करते हैं इस वाली के बारे में। ये भी एक आपको थर्ड पार्टी थीम देखने को मिल जाती है, इसे अप्लाई करते हैं ब्लैक गेम वर्जन 11। एंड यहाँ पे आपको नेविगेशन बटन जो है वो आपको जिस टाइप का देखने को मिलता है जो कि सैमसंग के One UI से लिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड विडजेट ऑल्सो इज टेकन फ्रॉम One UI। बट पीछे वॉलपेपर बहुत ही अमेजिंग है जो गेम का यहाँ पे लगा हुआ है, जो गेम का कंट्रोलर है वो वॉलपेपर जो है वो काफ़ी आप मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसकी सेटिंग मेन्यू के बारे में। तो वो आपको जिस टाइप का देखने को मिल जाता है ये जो गेम वाला वॉलपेपर है, अगर आपको चाहिए तो मेरे को बता देना, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके बारे में। तो आप देख सकते हो सेटिंग मेन्यू पीछे वॉलपेपर एंड ट्रांसपेरेंसी भरपूर है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डायलॉग मेन्यू की अगर हम बात कर ले तो वो आपको सेम देखने को मिलता है, इसमें आपको चेंज देखने को नहीं मिलता है, तो एक आपको देखने वाली चीज़ है। एंड अगर हम बात कर लें इसकी लॉक स्क्रीन के बारे में तो वो आपको जिस टाइप की देखने को मिल जाती है, साइड में बड़ी सी क्लॉक आती है एंड पीछे वॉलपेपर है। फ़ोन ऊपर स्वाइप करेंगे तो भाई फ़ोन जो है वो अनलॉक हो जाएगा, तो ठीक है। अब दैट मेन हाईलाइट इज स्टेटस बार। तो यहाँ पर आपको वही गेमिंग वाला स्टेटस बार देखने को मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं, जो ये आइकन्स है डायमंड शेप में कटे हुए हैं, क्लॉक बीच में है और भाई ट्रांसपेरेंसी भरपूर है। मतलब बहुत ही आपके फ़ोन को एक अमेजिंग लुक देगी भाई ये थीम। एंड इसका स्टेटस बार मेरे को पर्सनली बहुत ही पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया। और दोस्तों आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैंने कई वीडियोस डाल रखी थी स्टेटस बार बहुत अमेजिंग है, बट ये जो मेरे को वो वाली थीम्स हैं जिसके मेरे को स्टेटस बार सबसे ज़्यादा अमेजिंग लगे हैं, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई ये थी हमारी आज की थीम्स और आज की वीडियो विद आज के स्टेटस बार, नहीं कल के जो भी छोड़ो। तो भाई यही थी वीडियो और आज की थीम्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आज की थीम्स भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लेना ताकि आगे जाके आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को मिस ना कर जाए। दोस्तों 40,000 सब्स का गोल है, देखते हैं कब तक हो जाता है। तो करा दो यार, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस थीम्स का आनंद उठा सकें। एंड मैं मिलता हूं आपसे नई वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।